ये जब पापा आते तभी आता है वैसे पहला करता है। चलो भैया बैग, चलो भैया निकले अब सब लोग, ले लो तुमने लिया अपना मोबाइल, रात में वीडियो बन गई गाड़ी तरफ हो जाए गाड़ी भी घेरा लग रहा है, लाइट ही ना है, कोई पहचान पाएगा कौन कौन खड़ा है। चलो भाई सब्जी कैसी लगी? वैसे अच्छी है सब्जी, ठीक है भाई, सबके इतनी तेज भूख लगी है, पूरा दिन हो गया आज। आ रहे हैं भी, आ रहे हैं ना, हम सेक ले, तुम खा लो जाके, जाओ गार्लिक नान की बना लो, ये लो देखो कैसी है, कच्चे लहसुन भरे हुए, ये तो बहुत पीस है इसमें तो। हाँ तो तीन पीस होंगे, नान है ताजा ही करेगा गर्म, जुकाम हुआ है तो तगड़ा, सब्जी निकालो और ना खत्म कर दो अब सब सब्जी, कौन खाएगा कल को, ले रहे हैं कच्चे ही पड़े ही होते हैं गार्लिक नान में। मम्मी लोग कहाँ गए थे, सब लोग कहाँ चले गए तुमको छोड़ के आज? भाई टीका कितना मोटा लगा यार, मेरे को लगा तीसरी आँखें हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग गाड़ी लेके सीधे मंदिर गए थे, पहले तो मंदिर में पूजा वगैरह करवाई थी गाड़ी की, उसके बाद फिर बेटी की ससुराल जाना पड़ा, उसको कुछ ज़रूरी काम था, सामान वगैरह लेना था, और फिर हम लोग रात में आए थे तो सब्जी तो ऑर्डर करके मंगा ली गई थी और बेटी ने रोटियां सेक ली थी घर पे ही, तो हम लोगों ने वही खाना खाया था। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है और इस समय बेटी जा रही थी कुछ अपने काम से मार्केट के, और ये देखिए मैंने सेमें रखी हुई थी बहुत पुरानी, तो मैंने सोचा चलो इनको आज बना लेती हूँ वरना ये ख़राब हो जाएंगी, और ये सेम का स्वाद बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा मसाला हल्का ही पड़ता है और खटाई वगैरह डाल के बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी भी लगती हैं, वही मैं छील रही थी। और इन सेमों में बीच में जाली टाइप की होती है, बहुत मोटी झिल्ली झिल्ली की तरह होती है, तो उनको साफ़ करने में बड़ी परेशानी होती है, तो मैं पहले ही साफ़ कर ले रही हूँ जितना हो सकेगा मुझसे। ये जा रहे हैं शॉप पर न्यू कार लेके, मार्केट में भी मिठाई वगैरह बांटनी है सभी लोगों को, हटा दो वरना चींटी आएंगी, डाल दो काली को, दे दो काली को, या गाय खिला तो किसी खिला। मार्केट के लोग पहले ही से ही बोल रहे थे कि मिठाई खिलाओ भैया मिठाई खिलाओ, तो ये गाड़ी लेके भी जा रहे हैं। और ये देखिए पंडित जी ने पूजा की थी तो मिठाई चढ़ी हुई थी वहाँ पर, तो ये उसी को निकाल रहे थे। देखिए नॉडी कितनी सतानी में लगे हैं, हम लोग अपनी खुशियाँ मना रहे हैं न्यू गाड़ी की, और ये नॉडी अपने में ही खुश थे, इनको कुछ पता ही नहीं है कि सुबह से हम लोग कहाँ गए थे, और पूरा दिन ये घर में अकेले रहे। हम लोग 11:30-11 बजे करीब निकल गए थे इनको खिला पिला के, और इनके लिए पानी वगैरह रख जाते हैं जब भी कहीं जाते हैं, और पेडिग्री भी इनके बर्तन में रख के गए थे, तो ये अपना पूरे दिन अकेले ही रहे। और जब हम लोग आए तो बहुत खुश हो रहे हैं आज, क्योंकि तो सभी लोग घर में, और जब सब लोग होते हैं तो नॉडी को वैसे भी बहुत मस्ती आती है, देखिए कैसे ले लेते ले घूम रहे हैं कागज, तुम वो रख लो, दो पीस पड़े लो, और अब ये सुबह का समय है अगले दिन का, तो बेटी जा रही थी अपनी ड्यूटी और शाम को ही वापस भी आ जाएगी रात तक में, क्योंकि अभी को निकलना है दीदी के घर शादी के लिए, तो दामाद जी भी आ जाएंगे तो हम सभी लोग साथ में ही जाएंगे न्यू गाड़ी से। नॉडी नहीं पता लगा कि दीदी जा रही है, इनको रोटी खिला दी जाती है, खिला देते चटनी से, वरना हमको छूना पड़ेगा व्रत वाले दिन। और बेटा जा रहा है इसको छोड़ने, वो भी चला जाएगा इसको छोड़ के शॉप पर, और बेटी भी चली गई है, और मेरा फास्ट भी था, हम सभी लोगों का फास्ट था, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है और कल है नवमी, तो कल कन्या भी खिलानी है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी क्योंकि उनकी भी तबीयत नहीं सही है और बेटे की तबीयत भी नहीं सही है। और अच्छी प्लेटें देखिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, जो घर दुकान में मेरी काम करता है लड़का, तो उसी से बोल के उन्होंने मंगवाई थी, ये 10 प्लेटें मंगवाई हैं मैंने, देखिए 10 हैं, और कैसी लग रही हैं बताइएगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे जोड़ते रहते हैं साल भर, दुकान में इन्होंने
जगह बना रखी है, वहाँ पे जो भी होता है 2-4 रुपए 10 रुपए डेली के डेली निकालते हैं भगवान के नाम से। और जब कन्या खिलाई जाती है नवरात्रों में तो उसी पैसों से हम लोग कुछ ना कुछ बच्चों को दे देते हैं। वैसे निकल नहीं पाते हैं इतने पैसे, कभी होते हैं हाथ में कभी नहीं होते हैं, तो इसी वजह से हम लोग ऐसे ही करते हैं, साल भर जोड़ते हैं। उसके बाद 2 बार नवरात्रे पड़ते हैं साल में, तो दोनों बार जो है दे देते हैं, इसे कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं सामान। और देखिए प्लेट्स कितनी अच्छी हैं और भारी भी हैं, ये भी नहीं कि हल्की हो, प्लेटें भारी हैं। और इन्होंने खुद तो हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि इनकी भी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी आज, और इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा, और बेटा घर पर छोड़ गया था इनको, तो लड़के से मंगवाई थी प्लेट्स उन्होंने, तो ये दे के गया है। और देखिए कल कुमारी खिलानी है तो मैं ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं क्योंकि मेरे पास इंतजाम नहीं है। तो क्या हुआ, तुम बकवास खा थोड़ना रही हो, बच्चे हैं छोटे छोटे तो बैठी है लेके। आजकल हम कुछ बना ही नहीं है, सबके तबीयत नहीं सही है, तबीयत नहीं सही किसी की है तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। चलो खा लिया तुम लोगों ने, चलो एक दूसरे का राउ लगाओ, वीडियो बन जाएगी, बना रहे हैं तो मैया की जय, मैया की जय। चलो वीडियो इससे कह रहे बना, पीछे कैमरा, हाँ बढ़ जाओ जाओ पैसा, जैसे खड़ी जाते और अब देखिए मेरी कुंवारी भी हो गई है, मैंने कन्याओं को खिला दिया है। और देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए थे, और छोटे छोटे बच्चे तो थे ही, साथ में जो उनके घर वाले थे वो भी सब आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भी बच्चों को देखने में परेशानी नहीं हुई, सब अपने आप से ही आ गए थे बच्चे। मैंने अलग से भी बच्चों को दे दिया था, 10 बच्चों को तो खिलाया ही था क्योंकि हमारे वहाँ एक नेवला होता है और 9 लड़कियाँ होती हैं कन्याएँ, तो वो तो बच्चे थे ही, और साथ में एक्स्ट्रा बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो उनको भी अलग से पैसे दे दिए थे। देखिए इतना शोर कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो परिक्रमा भी नहीं करने दे रहे, वो भाग रहे हैं बीच से, तो सभी लोग बहुत हंस रहे थे बच्चों को लेके, बच्चे भागने के चक्कर में। बच्चों को तो सिर्फ पैसे चाहिए और खाने पीने का तो इनको कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इन लोगों का पेट भी भरा हुआ है, और जगह से भी होके आते हैं, तो सिर्फ इनको पैसे चाहिए और थाली चाहिए, तो बस इसीलिए बच्चे छोटे छोटे देखिए कितना चीख से लाड मचा रहे हैं, सही से कुछ करने नहीं दे रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बहुत रो भी रहे थे कुछ बच्चे तो। लेकिन बहुत अच्छे से मैंने कन्याओं को जुमा दिया, बहुत अच्छा लगा। अब इन लोगों के पैर छू के पैसे दे दूँगी, उन्होंने कुंवारी खिला दी है, देखिए कन्या खिला दी, अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे प्रसाद वगैरह, उसके बाद जा रहे हैं ये शॉप पर। और बेटा गया है जरूरी काम से, देखिए मंदिर में कितना प्यारा लग रहा है हमारा मंदिर आज। कन्या खिला दी, अब हम लोग भी जा रहे हैं प्रसाद खाने, और ये देखिए उनको दे दिया प्रसाद, ये प्रसाद खा रहे हैं। और जल्दी से आसानी से लड़कियाँ मिल गई सब इस बार, क्योंकि ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती है, पहले तो बहुत लाइनों में लगो घरों में जाके, जब तब जाके बच्चों को लेके आते थे, और इस बार आराम से बच्चे मिल गए, पिछली बार भी मिल गए थे। चलिए फिर अभी नाश्ता खा बैठी हूँ, यही जलेबी आज खिलाई मैंने।